शाहपुर के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र खबरू महादेव में बहने वाले प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात के नीचे दबे युवक का शव आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। युवक की पहचान 21 वर्षीय केशव के तौर पर हुई है, जो कि शाहपुर के ही चढ़ी का रहने वाला है। दरअसल केशव बीते गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ धार्मिक पर्यटन स्थल खबरू महादेव गया था और वाटरफॉल के नीचे बने एक छोटे से तालाब में नहाने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई वो नीचे धंस गया और वापस नहीं लौट पाया। जब इस घटना को आसपास नहा रहे लोगों ने देखा तो पास में खड़े स्थानीय लोगों ने तालाब में डुबकी लगाकर उसे खोजने की लाख कोशिश की, मगर तमाम प्रयास असफल रहे। हालांकि उसी वक्त प्रशासन या पुलिस को इत्तला की जा सकती थी, मगर खबरू ट्रैक न केवल वो पंचायत के सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर की खड़ी और कठिन चढ़ाई चढ़कर आता है, बल्कि ये बेहद दुर्गम इलाके के तहत काफ़ी ऊंचाई पर भी है, जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके चलते वक्त रहते रेस्क्यू टीम को सूचना नहीं दी जा सकी। मगर वहां से तुरंत ही लोगों ने नेटवर्क में आकर इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया और सीधे NDRF से संपर्क किया। आज जब सुबह टीम मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बावजूद भी लगातार प्रयास असफल रहे। हालात तो यहां तक पहुंचे कि पानी का टेम्परेचर कम होने के चलते जवानों का शरीर भी बेहद ठंडा पड़ने लग चुका था। स्थानीय लोगों ने NDRF के जवानों की हौसला अफजाई की और उनके लिए आग का भी बंदोबस्त किया। उसके बाद जैसे ही अंतिम प्रयास करने के लिए NDRF के जवान संजय कुमार ने जैसे ही डुबकी लगाई तो उन्हें फिर सफलता हासिल हुई। इस तरह से युवक केशव का शव निकालने में वो सफल रहे। इस दौरान संजय कुमार ने बताया कि NDRF ने इस तरह के कई जान बचाओ अभियान किए हैं, मगर वाटरफॉल के नीचे डूबे हुए किसी शख्स को आज दिन तक नहीं बचाया गया। वहीं NDRF के सब इंस्पेक्टर आशुतोष काला ने बताया कि यहां का अनुभव बेहद ही कठिन रहा है। यहां पानी अपनी ओर जवानों को खींच रहा था, फिर भी जवानों ने कड़ी मशक्कत करके मिशन को फतेह किया है और इन्होंने बहुत बेहतरीन एफर्ट लगाया है। और मेरे साथ दो डीप डाइवर थे जिन्होंने पानी के अंदर जाके लगभग ये 10 फीट का गहरा, इसने मुझे बताया है कि सर लगभग 10 फीट गहरा यहाँ पे ये जो है नीचे जो तालाब है वो बना हुआ है। और 10 फीट गहराई में इसने जाने के बाद जब पहला एफर्ट लगाया था तो पहले एफर्ट में क्या हुआ, हम लोगों ने जो एंकरिंग किया था वो जो है बहुत दूर हो जा रहा था, विक्टिम तक शायद पहुंच नहीं पा रहा था, तो फर्स्ट टाइम में इसे कंफर्म नहीं हुआ। जब इसने अपना सेकंड एफर्ट लगाया तो सेकंड एफर्ट में इसने मुझे ये बताया कि सर जो है सस्पेंस हो रहा है कि कुछ वहाँ पर हो सकता है, अंदर जो है पहाड़ के अंदर की तरफ जो है एक खाई टाइप की बन रही है, वहाँ जो है कुछ हो सकता है। दूसरे टाइम में फिर जो तीसरा एफर्ट था उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, डीप डाइवर अंदर गया और बॉडी को जो है बाहर रिकवर करके लेकर। SDM मुरारी लाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में उन्हें सफलता तो मिल गई, मगर वो जान नहीं बचा पाए, इसका उन्हें मलाल है, मगर भविष्य में यहाँ ऐसा ना हो इसके लिए कड़े प्रयास किए जाएंगे। कोई 5 बजे के आसपास मिली तो उसके बाद हमने सबसे पहले अपने मतलब हायर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और फिर हमने जो NDRF की टीम है उससे बातचीत की, तो जैसे ही अराउंड 7 या 8 के आसपास वहाँ से वो आपकी NDRF की टीम चल पड़ी। तो शाम को जब यहाँ बात की गई तो यहाँ पता चला कि शाम को कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो यहाँ पे अंधेरा है और पानी वगैरह भी काफ़ी मतलब ठंडा है तो नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हमने क्या किया, जो हमारी NDRF की टीम थी उसको हमने यहाँ पे रेड कमांड जो हमारा फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहाँ पर इनको ठहराया और सुबह ये मतलब अराउंड 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए। तो ये ऑपरेशन आपका 8:30 से अप टू डेट तक मतलब जो है चला और मैं जो NDRF की टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं जो ये जो शोक संतप्त परिवार है इनके साथ में अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और इसकी दुख की घड़ी में हम सभी प्रशासन जो पूरा प्रशासन है जो इस परिवार है इसके साथ हम हैं। SHO त्रिलोचन राजपूत ने बताया कि पुलिस शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज रही है और जल्द ही शव परिजनों के सुपुर्द कर देगी। जैसे सूचना मिली मैं अपनी टीम लेके यहाँ पे पहुँच गया और लोकल लोगों की मदद से हमें फिर काफ़ी देर तक करीब शाम तक 8 बजे तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन पानी गहरा था और ऊपर से भी पानी गिर रहा था और अंधेरा होने के कारण बॉडी की तलाश नहीं की जा सकी। फिर शाम को हमने अपने SDM साहब और अपने सीनियर ऑफिसर SSP साहब से बात की कि ये मुश्किल पेश आ रही है, तो उन्होंने फिर NDRF की टीम जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई और आज 9 तारीख को NDRF की टीम को लेकर के हम यहाँ मौके पर आए और उनकी मदद से फिर आज जो बॉडी है उसको बाहर निकाला गया है।
और उसका फर्दर पोस्टमार्टम वगैरह आज करवाया जाएगा। उसके बाद बॉडी जो है उनके जो वारिस हैं उनको हैंडओवर कर दी जाएगी। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।